फ्रेंड निकिता जेकब के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट, कहां तक पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अभी पहुंचा है, कौन कौन लोग और रडार पर हैं? देखिए 4 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने टूलकिट मामले में FIR दर्ज की थी और उसके बाद गूगल से पूरी जानकारी मांगी थी टूलकिट को लेकर कि कहां से अपलोड हुआ ये तमाम चीजें। उसके बाद जैसे ही गूगल से जानकारी मिली है उसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच तेज की है। 11 फरवरी को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के मुताबिक निकिता जैकब के घर पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की साइबर सेल की टीम पहुंची थी उनका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जांचने पर रखने के लिए। चूंकि शाम का वक्त हो गया था लिहाजा लंबी पूछताछ नहीं हो सकी, लेकिन स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक उनसे डॉक्यूमेंट पर साइन कराए गए थे और निकिता ने साइन भी किया था कि वो जांच में आगे शामिल होंगी। लेकिन इसी दौरान दिशा रवि के खिलाफ एविडेंस मिले और बेंगलोर टीम गई, दिशा रवि को गिरफ्तार करके लाई, लेकिन उसके बाद से ही निकिता से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की गई, कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद निकिता जैकब के खिलाफ NBW नॉन बेलेबल वारंट दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने जारी कराया। यहाँ इंपॉर्टेंट बात मैं और बता दूं, कल जब दिशा रवि को पेश किया गया था अदालत में तब आर्गुमेंट के दौरान सरकारी वकील ने बकायदा दो नामों का जिक्र भी किया था, निकिता जैकब और शांतनु, और दिल्ली पुलिस ने दावा किया था इनको भी गिरफ्तार करना है और इसी आधार पर और भी कई आधार पर दिशा रवि की रिमांड ली गई थी। लेकिन अब दिल्ली पुलिस का दावा है कि निकिता जैकब फरार हो गई हैं, जांच से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गई हैं। ये दावा दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का है। इन सब के बीच जो दिशा रवि है 5 दिन की पुलिस कस्टडी पर लिया हुआ है और यही जो CPAT का ऑफिस है, साइबर सेल का ऑफिस सामने की तरफ, यहीं पर दिशा रवि से पूछताछ हो रही है। लेकिन जो बड़ी खबर है लगातार जो दिल्ली पुलिस है उनका कहना है, खासकर अदालत में कहा गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से कि इस षड्यंत्र में हजारों की तादाद में लोग शामिल है, खालिस्तान मूवमेंट को जिंदा करने की कोशिश है, भारत सरकार के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र है। तो उसी आधार पर कई लोग रडार पे थे और इसी आधार पर कई ऐसे क्लू मिले हैं जिसके बाद निकिता जैकब का भी नाम सामने आया है। लेकिन दिल्ली पुलिस का दावा है कि निकिता जैकब एब्सकॉन्डिंग है, इसलिए उनके खिलाफ अदालत से नॉन बेलेबल वारंट जारी करा दिया गया है। ठीक है अरविंद, मैं लौटूंगी आपके पास। मुंबई से मुस्तफा शेख भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुस्तफा, देखिए बड़ी खबर जो अरविंद दे रहे हैं, नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ है निकिता जैकब के खिलाफ। कहाँ है निकिता, इस बात की जानकारी फिलहाल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को तो नहीं है, लेकिन आप घर के बाहर मौजूद है, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं आपको? जी बिल्कुल मीनाक्षी, गोरेगांव स्थित एक हाई राइज है जहां पर निकिता जैकब रहती हैं और कल पुलिस आई थी तो वो घर पर मौजूद नहीं थी। तो इसके साथ आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं दिशा की गिरफ्तारी के बाद निकिता को यह अंदाजा लग गया कि अगला जो है सर्च ऑपरेशन है शायद उनके घर पर हो सकता है, इसलिए वो फिलहाल लापता है, किसी को अपनी लोकेशन नहीं बता रही है और यहां पर बिल्डिंग में अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है किसी को। तो ये आप कह सकती हैं कि निकिता लॉयर है तो वो शायद एंटीसिपेटरी बेल या ऐसी कोई चीज के लिए कोर्ट में रिलीफ के लिए करें। एक ये दूसरा पॉइंट ये है कि फिर से कोई नया सर्च ऑपरेशन हो या दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो मुंबई पुलिस की मदद ले, निकिता की लोकेशन तलाशे और वहां से फिर उनको गिरफ्त में लिया जाए। तो एक तरह से ये तो साफ है कि निकिता की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल चाहती है, इसीलिए उनके खिलाफ एक NBW निकाला गया है। देखना ये होगा कि इस वक्त कहां पर है निकिता और उनसे क्या क्या सुराग इस पूरे केस के मिल सकते हैं।